शौहरत अब तक आई क्यों नहीं? ये किसके लिए इतनी परेशान है? अरे तुम पहुंच गई। अब क्या बताऊं? ये ऑटो वाले भी ना बस। मुझे ये सब कुछ नहीं जानना। पहले ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बुलाया का क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे क्या काम? लो अपना काम निपट लिया तो अब मुझसे पूछ रही हो क्या काम है? कौन सा काम निपट गया? अच्छा तो अब ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यही कि तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारा साथ दिया। ठीक है, यही कि तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारा साथ दिया। अपनी भांजी ममता के साथ मैंने विश्वासघात किया, उसके बारे में झूठी कहानियां बनाकर तुम्हारे घर वालों के सामने सुनाई। ये कौन सी झूठी कहानी की बात कर रही है? तो वो काम करके तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया, उसके पैसे लिए। अभी वो पैसे पूरे नहीं मिले हैं, आधे बाकी हैं। वो अब नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं अपना सब कुछ गवा चुकी हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं हार चुकी हूँ। वो सब मुझे नहीं पता भैया, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे अपने पैसे चाहिए बस। नहीं दिए तो क्या करूँगी? तो मैं सबको सच बता दूंगी कि मैंने ममता के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। ममता के बाबूजी सचमुच बीमार थे और उनके इलाज के लिए ममता ने मजबूरी में अपनी कोख किराए पर देकर कृष को जन्म दिया। कोख किराए पे देना ममता का कोई पेशा वेशा नहीं है। बस करो, कोई सुन लेगा। तो सुनेगा ही। अरे जो जुबान गलत बोल सकती है वो जुबान सच भी बोल सकती है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? अक्षय। उसे तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी कि तुमने ममता के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है और वो बच्चे के माँ बाप जो तुमने खड़े किए थे वो भी सब झूठ था। अरे ममता ने किसी आदमी को अपने जाल में नहीं फंसा था और ना ही वो बच्चा ममता का था, यहाँ तक कि वो बच्चा भी उन लोगों का नहीं था। वाह क्या नाटक रचा है। अगर मैं चाहूँ ना तो एक पल में तुम्हारे नाटक का पर्दाफाश कर दूंगी। हाँ हे भगवान, इसका मतलब तनिषा ने ममता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की और हमने उसे इतना जलील करके घर से बाहर निकाल दिया।